ठीक है ठीक है। अब सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने लेजर शो का आनंद जरूर लिया होगा और अगर नहीं लिया तो आज और कल का दिन और बाकी है, आप लोग जरूर जाइएगा और लेजर शो देख के आइएगा। आज मैं जो बात आपके सामने रखना जा रहा हूं कि जो कि गरीबी दूर करने के लिए और आर्थिक मंदी से निपटने के लिए बहुत ज़रूरी कदम है। हम लोगों ने पिछले 5 साल के अंदर बहुत संघर्ष करके दिल्ली में मजदूरों के लिए और गरीबों के लिए मिनिमम वेजेस बढ़ाए हैं और अभी जो फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है ये हमारे पिछले 4-5 साल के कड़े संघर्ष का नतीजा है। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें उन्होंने जो मिनिमम वेज हम लोगों ने बढ़ाए थे उसको उन्होंने अप्रूव किया है। सो मैं आपके सामने कुछ वो रख रहा हूँ। 55 लाख दिल्ली के ठेके पे काम करने वाले कर्मचारियों को इसका फ़ायदा होगा। जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में दिल्ली में अनस्किल्ड लेबर को 8,632 रुपये प्रति माह मिलता था, आज वो बढ़ के 14,842 रुपये हो गया। मुझे लगता है ये पूरे 70 साल के भारत के इतिहास का सबसे बड़ा इंक्रीज है मिनिमम वेजेस का। सेमी स्किल्ड लेबर को 9,542 रुपये मिलता था जब हमारी सरकार बनी, आज ये बढ़ के 16,341 रुपये हो गया है। स्किल्ड लेबर को 10,478 रुपये मिलते थे, अब ये बढ़ के 17,991 रुपये हो गया है। नॉन मेट्रिकुलेट्स को 9,542 रुपये मिलते थे, ये बढ़ के 16,341 रुपये हो गया है। मेट्रिकुलेट बट नॉट ग्रेजुएट को 10,478 मिलते थे, ये बढ़ के 17,991 हो गया। और ग्रेजुएट एंड अबाव को 11,414 रुपये मिलते थे, ये बढ़ के 19,572 रुपये हो गया है। पूरे देश में, मेरे पास सारे स्टेट्स के फिगर्स है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा मिनिमम वेज आज दिल्ली सरकार दे रही है। अभी फ़िलहाल नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके तहत ठेके पे काम करने वाले कर्मचारियों को अप्रैल और अक्टूबर का DAB, अब सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के बाद हम लोगों ने अप्रैल और अक्टूबर का DAB अनाउंस कर दिया है। तो जैसे एक ही कैटेगरी का मैं बता देता हूँ, बाकी आपको प्रेस रिलीज के ज़रिए सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अनस्किल्ड लेबर को जैसे अप्रैल में 468 रुपये प्रति माह का DA अनाउंस किया गया है और अक्टूबर में 338 रुपये प्रति माह का DA अनाउंस किया गया है। तो जो अप्रैल का DA 468 रुपये उसके एरियर्स भी मिलेंगे सबको। और इसके अलावा दिवाली पे बोनस, एक महीने की तनख्वाह का बोनस भी सब लोगों को अनाउंस किया गया है। तो ये एक तरह से बहुत बड़े स्केल के ऊपर गरीबों की जेब में पैसा डालने की काम है और जो आर्थिक मंदी आज देश भर में है, हमें ये लगता है कि बहुत सारे उससे निपटने के बहुत सारे और स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे कारगर स्टेप है, इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि अगर गरीबों की जेब में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डाला जाएगा तो गरीब आदमी जाके मार्केट से तरह तरह की रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदेगा, उससे इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जॉब्स बढ़ेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जो कि मतलब शर्तिया तरीका है इकोनॉमी को एक तरह से रिवाइव करने के लिए। मैं आज आपके सामने हमारे संघर्ष की कहानी भी रखना चाहता हूँ। हमने 5 साल कितना लड़ाई लड़ी है आज इस मिनिमम वेज को गरीबों को दिलवाने के लिए। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले हमने
अप्रैल 2016 में मिनिमम वेज बनाने के लिए आपको कानून के अंदर एक मिनिमम वेज कमिटी बनानी पड़ती है। उसमें यूनियन के लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, ट्रेड एसोसिएशन के, इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग होते हैं। तो हमने अप्रैल 2016 में ये कमिटी बनाई। कमिटी ने अपनी रिपोर्ट उसी साल 2016 में अगस्त में दे दी। सरकार ने उसकी रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने मिनिमम वेज काफ़ी बढ़ाए के थे, हमने उनकी रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली। कैबिनेट ने डिसीशन ले लिया कि दिल्ली में मिनिमम वेज बढ़ाए जाएंगे। सितंबर के महीने में उसी साल, एक महीने बाद, एलजी साहब ने वो पूरा हमारा काम जो पिछले 6 महीने का था उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, ये कह के कि भाई ये जो कमिटी तुमने बनाई थी इस पे, इसकी अप्रूवल आपने मेरे से नहीं ली। हम काफ़ी रोए, गिड़गिड़ाए, हमने कहा जी अब दे दो अप्रूवल। पहले तो अप्रूवल लेने की ज़रूरत ही नहीं है हमारे हिसाब से, लेकिन अप्रूवल देनी है आप दे दो। वो नहीं माने, उन्होंने कहा दोबारा करो। सो दोबारा सारा होमवर्क किया। सितंबर के महीने में फिर दोबारा एक मिनिमम वेज कमेटी बनाई, वही लोग, वही मिनिमम वेज कमेटी, सेम वही। पर एलजी साहब के कहने के मुताबिक वो कमेटी दोबारा बनाई, उनसे साइन कराए। उस कमेटी ने फिर अपनी रिपोर्ट अगले साल फरवरी के महीने में अपनी रिपोर्ट दी, और फरवरी मार्च में हम लोगों ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया एलजी साहब की अप्रूवल से, 3 मार्च 2017 को, कि भाई ये मिनिमम वेज होंगे। और मिनिमम वेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए। जाहिर है इससे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो दुखी हुए। 44 एम्प्लॉयर्स एसोसिएशंस, 44 एम्प्लॉयर्स एसोसिएशंस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया, और हाई कोर्ट ने 4 अगस्त 2018 को हमारे इस नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया, जिसकी वजह से लोगों के पुराने मिनिमम वेज पे फिर से वही आ गए जो पुराने मिनिमम वेज मिल रहे थे। फिर से लोगों का वही हो गया जो कुछ महीने, फरवरी में हमने नोटिफिकेशन किया था, मार्च में, मार्च से लेके अगस्त के महीने तक उन लोगों को ज़्यादा तनख्वाह मिली और फिर से उनकी तनख्वाह कम हो गई। हमने भी हार नहीं मानी, तो हम लोगों ने फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हाई कोर्ट के ऑर्डर को। और हमें बेहद खुशी है कि अपन सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को माना और इंटरिम ऑर्डर उन्होंने 1 नवंबर को पास कर दिया कि भाई जो इन्होंने नया ऑर्डर नोटिफिकेशन जारी किया था इसको माना जाए, इसको अभी इंटरिम तौर पे इसके हिसाब से तनख्वाह दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस पूरे प्रोसेस को दोबारा कीजिए। जितनी एसोसिएशन आई थी, किसी ने कहा हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखा जी, हमारा ये नहीं किया, तो उन्होंने कहा इन सारे लोगों की बात मान के दोबारा इसको कर दो। हमने सबके रिप्रेजेंटेटिव रख के दोबारा मिनिमम वेज कमेटी बना के, सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का टाइम दिया था, 4 महीने में हमने दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमें बेहद खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इसको 14 अक्टूबर 2019 को, अभी कुछ दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करके हमारे इस नोटिफिकेशन को वैलिड ठहराया। दिल्ली की गरीब जनता की ये बहुत बड़ी जीत हुई है, और एक ईमानदार सरकार को चुनने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। हम चाहते तो ये जो 44 एसोसिएशन कोर्ट में गई है, अगर इनके साथ हम सेटिंग कर लेते तो ये 44 एसोसिएशन वाले यहीं पैसा ले दे के ख़त्म कर देते हैं। हमने इनके साथ सेटिंग नहीं की, हमने गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ी, अंत तक लड़ाई लड़ी। मैं आपको दूसरे स्टेट्स के थोड़े से रेट्स बताना चाहता हूँ। दिल्ली में अब अनस्किल्ड लेबर को 14,842 रुपये प्रति माह मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 5,750 है। दिल्ली में 14,842, उत्तर प्रदेश में 5,750, हरियाणा में 8,827, गुजरात में 8,190, झारखंड में 6,495, बाकी सारे स्टेट्स में भी बहुत कम है। नेशनल लेवल पे केंद्र सरकार जारी करती है एक नोटिफिकेशन कि कोई भी स्टेट इससे कम नहीं रखेगा। नेशनल मिनिमम वेज कहा जाता है उसको। देश का नेशनल मिनिमम वेज 4,628 रुपये है, दिल्ली का मिनिमम वेज 14,842 है। तो नेशनल से भी हम कम से कम 3 गुना ज़्यादा वेज दिल्ली के अंदर दे रहे हैं। तो अच्छा, मिनिमम वेज दिलवाने के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। मिनिमम वेज नोटिफिकेशन जारी करना बड़ा आसान होता है, लेकिन लोग इसको मानते नहीं हैं।
हमने दिल्ली सरकार में काम करने वाले 1373 कॉन्ट्रैक्टर्स को हटाया जो कि मिनिमम वेज नहीं दे रहे थे। 1373 कॉन्ट्रैक्टर्स जो मिनिमम वेज नहीं दे रहे थे उनको हटा के नए ठेकेदारों को रखा गया। उसके बाद हमने दो स्पेशल ड्राइव्स जारी की जिसमें दिल्ली के अंदर जगह जगह जो शिकायतें आती थी और 100 से ज़्यादा मिनिमम वेज के वायलेशंस को हमने बुक किया, उनके खिलाफ केस दर्ज किए जो मिनिमम वेज नहीं दे रहे थे और जो इसका और 6 एम्प्लॉयर्स के खिलाफ हमने चीटिंग के केसेस दर्ज किए हैं। आप लोगों ने सुना होगा कई एम्प्लॉयज क्या करते हैं, अकाउंट तो खुलवा देते हैं फिर उसका एटीएम कार्ड अपने पास रख लेते हैं और फिर खुद जाके उसके पैसे निकलवाते रहते हैं, उसके बैंक में अकाउंट में डलवा दिए और एटीएम से। ऐसे 6 केसेस के खिलाफ हम लोगों ने केस दर्ज किए। तो मुझे लगता है कि आज के मंदी के दौर में अगर हम लोग ये बड़ा कदम उठाएं कि पूरे देश भर में अगर मिनिमम वेज बढ़ा दिए जाएं तो इससे आर्थिक मंदी से निपटने में काफ़ी मदद मिलेगी। दिल्ली के सभी गरीब मजदूरों को मैं बधाई देता हूं और जिन जिन लोगों को ट्रेड एसोसिएशन और इंडस्ट्री एसोसिएशन वाले जो इसके खिलाफ हैं उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि शॉर्ट टर्म में आप लोगों को लगता होगा कि आपकी कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन जब ये गरीब लोग मार्केट से सामान खरीदने जाएंगे इससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, आर्थिक मंदी दूर होगी, आपका सामान ज़्यादा बिकेगा और मीडियम से शॉर्ट में लॉन्ग टर्म के अंदर आपको इसका फायदा होगा, आपको इसका नुकसान नहीं होने वाला। ये नोटिफिकेशन है जो अभी हम लोगों ने इसका जारी किया। अब अगर आपके कोई प्रश्न है तो एक और दिखा दो। थैंक यू। तब तक क्या व्यवस्था चल रही थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इंटरिम ऑर्डर में कि जो हमने रिवाइज किया है वेज वो देते रहो, तो बढ़े हुए वेज तो मिल रहे थे पिछले एक साल से लेकिन अब ये उस पर मोहर लग गई सुप्रीम कोर्ट की कि वो सही है, अब इंटरिम ऑर्डर नहीं है वो परमानेंट ऑर्डर है। और उसके बाद अब हमने पिछले हफ्ते उसमें 2 DA और ऐड कर दिए हैं, तो अब ये पहले 14,000 रुपये जो था अनस्किल्ड का अब वो 14,842 रुपये हो गया। तो हर महीने अब इतना मिला करेगा? यस हाँ, अब हर महीने आपसे जो मतलब अक्टूबर से इस नोटिफिकेशन की डेट से 2 DA ऐड हो गए और एरियर भी मिलेंगे और बोनस भी मिला दिवाली का, न्यूनतम वेज और बढ़ गया, और बढ़ गया, बढ़ गया मतलब 842 रुपये बढ़ गए कम से कम 842 रुपए सबसे न्यूनतम। एम्प्लॉयर्स देंगे दिल्ली सरकार के जो ठेकेदार है उनको, मतलब जो वो है हमारे एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट उनको हम देंगे, जो एम्प्लॉयर है वही देगा। हाँ उनको दिलवा रहे हैं, हम लोग उनको दिलवा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर इन्होंने रेड किया है जो अभी मैंने आपको बताया। 1373 ऐसे सरकारी ठेकेदारों को हटा दिया गया है जो मिनिमम वेज नहीं दे रहे थे, नए ठेकेदारों को रखा गया है, 100 से ज्यादा ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं और 6 ठेकेदारों के खिलाफ चीटिंग का मुकदमा दर्ज किया गया। सर बसों में कल से महिलाओं को फ्री सुविधा होगी, सर सारी बसों में होगी या ऐसी कुछ कंडीशन? सारी बसों में होगी सर, क्या बुजुर्गों और स्टूडेंट्स के लिए? उसके बाद करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। महिलाओं को देखिए लागू करना बड़ा आसान था, महिलाओं को पहचाना जा सकता है, बुजुर्गों के लिए स्टूडेंट्स के लिए करने के लिए काफ़ी लंबी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उनको, अलग से कुछ पास देने, वो लंबी एक्सरसाइज है, पहले इसको स्टेबलाइज कर लें फिर देखते हैं। पोल्यूशन कल 8:30 बजे के बाद थोड़े पटाखे बजने शुरू हुए थे, मैंने भी सुने थे, 8:30 तक तो मैं बहुत खुश था कि पटाखे बिल्कुल नहीं बज रहे लेकिन पिछले सालों की अपेक्षा काफ़ी कम हुए हैं, हैं? काफ़ी कम थे पिछले सालों की अपेक्षा, काफ़ी कम हैं और पोल्यूशन के जो आंकड़े आए हैं वो भी पिछले 5 सालों में सबसे कम पोल्यूशन दिवाली पे इस बार देखा गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कम हुआ है, ये अच्छी बात है, ख़त्म नहीं हुआ, इसको ख़त्म करना हमारा लक्ष्य है और एक अच्छी शुरुआत ये है जो दिवाली पे जो लेज़र शो CP में हो रहा है, मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के लोगों ने इसका ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया है, ज़बरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खूब लोग आ रहे हैं, हमें हमारी उम्मीद से ज़्यादा लोग आ रहे हैं,
और अगली साल इससे सीख के हम दिल्ली के कई जगहों पे इसी किस्म का करेंगे। इस बार तो एक ही जगह पे किया था। सर आपने इसी से शुरू करवाया, लेकिन दिल्ली में अगर 3 तारीख को मैच होने वाले, इसको लेकर बीसीसीआई ने चिंता जताई, उन्होंने कहा कि प्रदूषण का स्तर है इस वक्त दिल्ली में वो चिंताजनक है और आगे वो रिव्यू करेंगे, इस पर क्या कहना? मैं उम्मीद करता हूँ कि पॉल्यूशन मैच खेलने में आड़े नहीं आएगा और 4 तारीख से हम ऑडिवन भी कर रहे हैं और पहले भी मैच होते रहे हैं। इस दौरान मैंने देखा था पिछली बार भी मैच हुए हैं और मैच जरूर होना चाहिए। हो सकता है क्योंकि आसपास के इलाकों से पता चला है कि बहुत ज्यादा पटाखे बजे हैं। दिल्ली के लोगों ने तो चमत्कार कर दिया है, एज यूजुअल दिल्ली के लोग तो दिल्ली के लोगों ने डेंगू पे भी काबू पा लिया, दिल्ली के लोगों ने पॉल्यूशन भी कम कर दिया, लेकिन आसपास गुड़गांव नोएडा इधर आसपास के इलाकों से गाजियाबाद से काफी पटाखों का सुनने में आया। किसका कह रहे हैं कि दिल्ली में खूब पटाखे छोड़े जा रहे हैं, ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हिंदू अगर पटाखे छोड़ेगा तो वो पाप होगा, इस तरह की बातें की जा रही है दिल्ली बीजेपी के नेताओं। मैं भाजपा के लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों का मजाक ना उड़ाएं। दिल्ली के लोगों ने बहुत मेहनत की है पॉल्यूशन को कम करने के लिए, मेहनत कर रहे हैं और सब लोग मानते हैं कि पिछले 5 सालों के मुकाबले सबसे कम पॉल्यूशन हुआ है, पिछले 5 सालों में सबसे कम पटाखे दिल्ली के लोगों ने बचाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के लोगों का मजाक उड़ाना ये अच्छी बात नहीं है। सर अभी का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 के पार है दिल्ली का, क्या उसको कम करने की कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट? अब जैसे मास्क आ गए हैं, अच्छी खबर है, काफी क्वांटिटी आ गई है, अगले 2-3 दिन में हम मास्क डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर देंगे सारी दिल्ली में। और दूसरा ऑड इवन करने जा रहे हैं, जो दिल्ली के अंदर जो जलता है कूड़ा जलाने की प्रक्रिया, उसके लिए हमारी ऑलरेडी काफी सारी टीम्स लगी हुई हैं। डस्ट जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अपने स्तर पे जितना भी कोशिश दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये जो हम सब लोग जानते हैं कि इस बार पराली का धुआं काफ़ी जल्दी शुरू हो गया, जो पहले नॉर्मली लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से होता था, इस बार सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर से हो गया और ज़्यादा कई गुना ज़्यादा पराली का धुआं इस बार आ रहा है, जिसको हम कोशिश नहीं, हम कुछ नहीं कर पा रहे जिसका। वी शुड बी एबल टू सॉर्ट इट आउट बाय इवनिंग, डोंट वरी। सर वन क्वेश्चन ऑन ग्रैब, सर ग्रैब पे कंस्ट्रक्शन 26 तारीख से बैन है, 26 से 30 तक क्या कुछ वायलेशंस अभी तक उसमें देखते हैं? जहाँ जहाँ वायलेशंस होंगे हम सख्त एक्शन लेंगे। हमारी टीम्स ग्रैब को लागू कराने के लिए, पहली बात तो सरकार कमिटेड है ग्रैब के लिए और मुझे लगता है पूरे केवल दिल्ली सरकार ही केवल ग्रैब लागू करती है, बाकी तो एप्का को शायद गुड़गांव फरीदाबाद वगैरह से तो वहाँ तो आसपास के एरिया में तो किसी की कोई किसी एजेंसी की कहीं नहीं चलती। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पे दिल्ली के लोग मिलके और पोल्यूशन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितनी भी वायलेशंस हैं उस पे सख्त कार्रवाई करेंगे। कुछ एक ट्रक है जो पानी का छिड़काव करेगा, दिल्ली सरकार जिस तरीके की कुछ चीजें कर रही है। एमसीडी और हम अलग अलग नहीं है, केंद्र सरकार हम सारे दिल्ली के लोग सब मिलके पोल्यूशन को दूर करेंगे और भी करेंगे और भी करेंगे और भी करेंगे। नहीं जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कल मिलेंगे, बस में मिलेंगे आपसे। थैंक यू, थैंक यू।